हमारे साथ केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश जी अंगड़ी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, पूरे देश की निगाहें बुलेट ट्रेन को लेकर, क्या कहेंगे आप? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न था हमारा देश में भी एक बुलेट ट्रेन चलाए, अहमदाबाद और मुंबई के लिए वो किया है। बहुत तेजी से काम चल रहे, बाई 2023 दिसंबर तक वो पूरा हो जाए। रेल यात्री जो हैं अपनी सुविधाओं को लेकर हमेशा मांग करते रहते हैं रेलवे से, जबकि वो पैसा पूरा देते हैं, लेकिन कई कंडम कोचेस और साथ में खान पान को लेकर भी कई शिकायतें आती है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, 70 साल ये ट्रेन को राजनीति में चला के ट्रेन को बर्बाद किया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के रास्ता कैसा साफ सफाई करके देश का इकोनॉमी बढ़ गया, अभी हमारा प्रधानमंत्री का योजना भी वैसा है, रेल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आने वाला दिनों में लोगों को अच्छा सुविधा देके, नया नया कोचेस करके, नया नया टेक्नोलॉजी उपयोग करके देश के लोगों के लिए सेवा करने का अवसर अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे भी करेंगे। अंतिम सवाल, देश की जनता को रेल राज्य मंत्री क्या आश्वस्त करना चाहेंगे आने वाले 5 साल को लेकर? देखो, आने वाला 5 साल के अंदर हमारा रेल में IRTC वालों को मैं आग्रह कर रहा हूँ, वो फूड, अच्छा फूड देने का, जो पूरा पैसा आप लोग लेता है पूरा सर्विस देने के लिए, उनको एक सेवा बोलकर, हमारा रेल अधिकारी सब बहुत कंप्लेंट आपके पास अभी आ गए, मेरे पास भी रोज़ आते रहता है, वो स्पेसिफिक नहीं रहता है, जनरल रहता है, वो स्पेसिफिक रहता हम कुछ वो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए देश में बहुत अच्छा काम हमारा रेलवे इलाके में कर रहे लोग, उसमें कोई भी एक दो गलती किया तो वो पूरा बहुत बड़ा हो जाता है, वो छोड़ के अच्छा काम करने वालों को आप देख लिया तो देश में बहुत बदलाव आ रहे, अच्छा काम भी हम करेंगे, देश के लोगों का सेवा में रेल लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रेल राज्य मंत्री ने साफ तौर पर ये भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है कि देश की जनता भारतीय रेल करती रहेगी। शिकायतें आती हैं लेकिन शिकायतों का निपटारा भी होता रहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी Part 2 में अगले 5 साल में भारतीय रेल भारतीयों को कितनी सेवा और सुविधा दे पाती है। कैमरा पर्सन सुरेन प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV रांची।